नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं अधिक मास की, क्योंकि आने वाला महीना जो है वो एक अधिक मास का महीना है और अधिक मास का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि अधिक मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास या अधिक मास। इस महीने में दान पुण्य करना, स्नान आदि करना, इन सभी चीज़ों का बहुत ही महत्व है। लेकिन आज मैं आपको कुछ 5 उपाय बताने वाला हूँ। अगर वो उपाय इस महीने में आप करते हो तो आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। वो उपाय कौन कौन से हैं? पहला उपाय मैं बताऊँगा आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी लंबी आयु से संबंधित। ठीक है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी आयु अच्छी रहेगी, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा जो उपाय रहेगा वो घर में सुख शांति कैसे लाई जाए इसके ऊपर रहेगा। जो तीसरा उपाय रहेगा वो धन प्राप्ति के लिए रहेगा, क्योंकि घर में सुख सुविधा तभी हो सकती है जबकि आपके पास धन हो। तो धन प्राप्ति के लिए हम तीसरा उपाय करेंगे। चौथा उपाय जो हमारा होगा वो होगा कर्ज मुक्ति का। देखिए, आज का जो सिनेरियो चल रहा है, यानी कि कोविड-19 के बाद की जो दुनिया है, उसमें बहुत से लोगों ने बहुत सा कर्ज ले रखा है। उस कर्ज से कैसे मुक्ति पाई जाए, या किसी भी प्रकार के कर्ज से आप किस प्रकार से मुक्त हो सकते हो, इसके लिए मैं एक उपाय बताऊँगा। और लास्ट में बात करेंगे नौकरी में प्रमोशन और आमदनी में वृद्धि किस प्रकार से की जाए, इस उपाय की बात करेंगे। तो ये रहेंगे हमारे आज के 5 महत्वपूर्ण उपाय। तो इन 5 उपायों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं हम पहले उपाय की। पहला उपाय जो कि घर में सुख सुविधा और लंबी आयु के लिए, इसमें करना क्या होगा, मलमास में यानी कि जो अधिक मास है, इस महीने में कम से कम तीन दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ये उपाय स्त्री करती है तो उनके पति की लंबी उम्र होती है, और अगर ये पति करता है तो उनकी पत्नी की लंबी उम्र होती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये उपाय है छोटा सा। किसी भी दिन इस महीने में, यानी अधिक मास के महीने में, किसी भी दिन आप किसी भी 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह उठकर आप अगर स्नान करते हो तो इस फल की आपको जरूर प्राप्ति होगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको वो 3 दिन कौन से चुनना है। वैसे तो आप कोई से भी 3 दिन चुन सकते हो, लेकिन अगर 2 एकादशी आएगी वो 2 एकादशी ले लीजिए, और एक जो लास्ट में अमावस्या आएगी वो ले लीजिए। अगर ये 3 दिन आप चुनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आप कोई से भी दिन चुन सकते हो। अब आप ये कहेंगे कि 3 दिन तक पवित्र नदी में स्नान कैसे कर पाएंगे या कहाँ पर जाएंगे हम? तो अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर में भी कर सकते हैं। आप अपना जो पानी है जिससे आप नहाते हो, उसी में आप 7 जो नदियाँ हैं उनको आमंत्रित करके, उनका आह्वान करके, आप उस पानी को भी जल बना सकते हो, उन नदियों के जल बना सकते हो और उससे स्नान कर सकते हो। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे उपाय की, जो कि है घर में सुख सुविधा कैसी लाई जाए। तो इसमें करना क्या होगा आपको कि मल मास में यानी अधिक मास में रोज़ शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करना है। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। इसमें आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है कि तुलसी का जो पौधा है उसके सामने आपको घी का दीपक जलाना है। इसके बाद ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए जो तुलसी है उनकी 11 परिक्रमा करना है। बस ये एक छोटा सा उपाय है, आप इसको करेंगे तो आपके घर में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। अब बात करते हैं हम 30 उपाय की, जो सबसे ज़रूरी है, धन प्राप्ति उपाय। अगर आपको धन की कामना है, आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मलमास यानी इस ये जो अधिक मास आ रहा है, इसमें पूरे महीने आपको एक मंत्र जो बता रहा हूँ मैं आपको, उस मंत्र की 5 मालाएँ रोज करना है। यानी पूरे महीने भर उसकी 5 मालाएँ डेली करना है, और जब महीना ख़त्म हो जाए, मतलब जब अधिक मास ख़त्म हो जाए, उस दिन आप क्या करेंगे, किसी ब्राह्मण कन्या को आप भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद उसे यथाशक्ति दक्षिणा देना है, वस्त्र देना है। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मंत्र क्या है। वो मंत्र है ओम हम एम क्लीम श्री। इस मंत्र का आपको जाप करना है, 5 मालाएँ प्रतिदिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले उपाय की, कर्ज मुक्ति उपाय।
कि किस प्रकार से आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों का बिजनेस ख़त्म हो गया है, बहुत से लोगों की जो नौकरी चली गई है और वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो उससे अगर आपको मुक्ति पाना है, कर्ज से मुक्ति पाना है, तो एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। उपाय क्या रहेगा? उपाय बहुत छोटा है। आपको करना क्या है, आपको इस पूरे महीने यानी कि अधिक मास में पूरे महीने घर के पास ही अगर कोई पीपल का वृक्ष है तो उस पर आपको पानी चढ़ाना है यानी जल चढ़ाना है, और शाम को उसके ऊपर दीपक लगाना है। मतलब पीपल के वृक्ष को आपको सींचना है, सींचना इन द सेंस आपको जल चढ़ाना है और साथ ही दीपक भी लगाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पीपल का पेड़ होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी आपके कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। महीने भर आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका जो कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो चलिए लास्ट में बात करते हैं कि हम हमारी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप जूझ रहे हैं कि आप सारी कोशिश करने के बाद भी आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, किसी प्रकार से आपका जो इनकम का सोर्स है वो नहीं बन पा रहा है, आपको नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसके बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि जो आने वाला अधिक मास है उसमें दो एकादशी आएगी, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की, उन दोनों एकादशी पे आपको 7 कन्याओं को भोजन कराना है, और भोजन भी अपने घर बुलाकर उनको करवाना है। ये नहीं कि आप कहीं जाके उनको पैसे देकर उनको भोजन करवाना है, ऐसा नहीं, घर बुला के बाकायदा जैसे अपन मेहमानों को बुलाते हैं इस टाइप से उनको बुलाना है, और घर पे ही आपको 7 कन्याओं को भोजन कराना है। और ध्यान रहे, भोजन कराते समय यानी भोजन में आपको खीर अवश्य बनाना है, खीर का ही भोग उनको लगाना है, मतलब चाहे और कोई भी चीज़ बनाए लेकिन खीर ज़रूर बनाना है उसमें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी नौकरी में भी तरक्की होगी, और साथ ही अगर आपकी आमदनी किसी प्रकार से बाधित है, आपकी आमदनी किसी प्रकार से रुकी हुई है, तो वो भी इससे दूर हो जाएगी और आपकी आमदनी लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये थे कुछ 5 उपाय। अगर ये 5 उपाय में से कोई सा भी उपाय जो आपको सही लग रहा हो, जो आपके काम का हो, वो उपाय आप कर सकते हैं और अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।